वेलकम बैक। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ और सुबह हो चुकी है और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में देखते हैं क्या रखा हुआ है। अंडा रखा होगा तो अंडा खाएंगे, मक्खन होगा तो मक्खन खाएंगे, जो भी होता है खाते हैं फिर आते हैं। और मेरी अम्मा जान पढ़ रही हैं नमाज पढ़ रही हैं। मैंने पढ़ लिया, मैं नाश्ता करती हूँ। तो अभी हम निकालते हैं फ्राई पैन, यही वाला फ्राई पैन। दूसरा वाला फ्राई पैन तो जो है वो गंदा पड़ा हुआ होगा। तो गाइस अब इसको हम डालते हैं और हाँ तेल में डालती हूँ। इसको वापस डाल दूँ तो हम डाल लें यार इसके अंदर। अम्मा आ गई ना रन टाइम पर, वरना मैं तो खा भी चुकी होती तेल में। बस हाँ बस। तो चलो भाई घी का आए, हम घी दे दें मुझे नहीं, और एक चम्मच भी दे दें हम। अब तल कर ही दे देना बल्कि। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हटो, तलकर ही दे दो भाई आप। उंगली पकड़ते पकड़ते उनका हाथ पकड़ लेती है भाई। डालते हैं इसके अंदर घी, डालें जल्दी जल्दी भाई। भूख लग रही है यार, मैंने कुछ नहीं खाया है। बस मम्मा कम घी डालें यार। क्यों नहीं खाया कर रहा से? क्योंकि बस नहीं खाया, जल्दी खा लिया था ना, तो देर से सोते हैं तो भूख लग जाती है, इसलिए मैंने नहीं खाया था रात में। तो समझी थी वरना छुप छुप के खाती होगी कुछ ना कुछ। मेरी डबल रोटी की थैलियां खाली हो जाती है, पापा की थैलियां खाली हो जाती है। कहाँ जाता है? वाह, यानी सारा मैं खाती हूँ है मामा। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। वाह, सारा इल्जाम मुझ पर। खा पी तो सारा इल्जाम मुझ पर। अंडा तो रखा हुआ है, बस आपको डाल के तलना है। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे तलना है बस। एक मिनट रुके, मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। अभी तो थोड़ा पका के भी खा लेती हूँ ना, पहले तो मैं बिल्कुल ही कच्चा खाती थी। मैं पलट दें, बस पलट दें, पीछे से भी ज्यादा वो हो जाता है तो खाया नहीं जाता, मजेदार नहीं लगता। तुमने बोल दिया ना मेरा अंडा टूट जाएगा, सबर करो। हाँ सबर कर रही हूँ, बड़ा अच्छा तो निकालिएगा तारा बिल्कुल साबुत। देखो अंदर से पक गया। मम्मा आराम से यार, मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, आप उसको दे दीजिएगा सीप वगैरह को। अच्छा हटो। दे दीजिएगा फिर अंडा, या आप खा लें, या आप खा लें अंडा, मुझे साबुत चाहिए। अंडा चिपक गया तो साबुत वाला दिएगा। आगे बना है मेरा साबुत वाला अंडा, जर्दी वाला, वरना ये भी टूटने ही वाला था। वाह गाइस, आज मेरा भाई लाया टिक्की। ये टिक्की खाते थे हम जब स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल के बाहर खड़ा होता था टिक्की वाला ना, तो टिक्की लेके खाते थे, बड़ी मजे की होती है। उसके साथ एक ऑरेंज वाली भी आती है जो हम खाते हैं। पर ये वाला मुझे ज्यादा, मेरे भाई से सबर नहीं हो रहा, जल्दी दो ना। अजीब होते दुनिया की, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्या इनको मसला होता है। बहनों से हर वक्त लड़ते रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी बात पर नहीं चाहिए होता है। बहनों की टांग खींचना, हर वक्त प्यास काटते काटते रोती रहती है, इनको और कोई काम ही नहीं है। इतना सारा कचरा, इतना सारा कचरा बड़ा हुआ। मेरे भाई कह रहे थैली वैली तो हटा दिया करो, क्या कचरे में बनाती रहती हो तुम वीडियो। हाँ, दो चीज़ें लाजमी लाजमी खाती हैं, एक तो खीरा और एक मूली। कहती हैं हर खाने के साथ मूली और खीरा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इन्हें मूली और खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस देखते हैं मम्मा जान क्या कर रही हैं। तो अभी तो मैंने आईब्रो बनवाई है, और आईब्रो बनवाते हुए इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सर्दियों की वजह से इतनी हुई भी है, इतनी हुई भी ना कि मैं क्या बताऊं। तो वो जब बना रही ना, मेरी चीखें निकल रही थी, तकलीफ हो रही थी मुझे। खैर चलो चलते हैं और मम्मा के पास और देखते हैं कि मम्मा क्या बना रही हैं। आज मम्मा कुछ हमें स्पेशल खिला रही हैं, क्या स्पेशल खिला रही हैं ये देखते हैं। बना रही हैं आलू के पराठे, वो भी रात में। और रात में आलू के पराठे गर्मा गर्म खाने में ना कोई मज़ा आएगा ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको। और मम्मा के पराठे पता है कैसे बनाती है, सिंगल नहीं बनाती है, डबल बनाती है, मतलब आप दो पराठे एक साथ खा रहे हो। वाह मम्मा वाह, जबरदस्त। कैसे बना रही हूँ। उसके अंदर मम्मा डालती हैं हरी मिर्चों वाला मसाला, हरी मिर्चें, चाट मसाला, पता नहीं क्या क्या डालती हैं। किसी दिन मम्मा बनाएंगी ना फुर्सत में तो मैं ज़रूर उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, पर अभी मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं लाइट नहीं थी। यही रोना है मेरा, क्या करूँ मैं। तो बस अभी हमारा पराठा बन गया और एक और हम बता देंगे आप लोगों को कि हमने क्या क्या डाला है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगली जब हम कभी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। ओ माय गॉड, इतने यम्मी पराठे, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा से देखकर माँ पानी लाती रहती है सबके मुंह में निकाल के खाने। स्पेशली पराठे पता है किसके लिए बन रहे हैं, बहुत ही खास पर्सन, पता है कौन, वो हमारे पप्पा। पता है आज हमारे घर में चावल बने ताहिरी, मैंने दिखाया नहीं, दोपहर का खाना आज मैंने गोल कर दिया तो जो है ना दिखाया नहीं मैंने। चावल बने थे और चावल रात में खाती ही नहीं है, दिन में तो चलो थोड़े बहुत खा लेते हैं, पर मेरे पहले तो मेरे पप्पा बिल्कुल ही चावल नहीं खाते थे। दोनों पेड़े मैंने एक जैसे लिए, सही है, गुड हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हमारे दो पराठे मम्मा एक साथ बेलेंगी, थोड़ा थोड़ा, पहले छोटा छोटा करके बेलेंगी, उसके बाद इसके अंदर आलू भरेंगी। मैं आलू दिखाती हूँ आपको, सही है ना। ये देखें, ये मसाला मम्मा ने बनाया है, इसका देख सकते हैं कितना स्पाइसी और कितना यम्मी लग रहा है। मसाले ही देख के मैं इसको यूं ही खा रही यार, बहुत मजे का है। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, देखें कितना बड़ा पराठा बना है, वो भी एकदम गोल पराठा बना है। अब इसकी हमारा पता है तवा बहुत बड़ा है ना माशाल्लाह से, तो हमारे तवे पर पूरा आ जाता है, ये देखें इस तरीके से पूरा आ गया। फ्रेंड्स मैं तो लिया ही अपना आलू का पराठा, मम्मा बनाती रहेंगी। सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कितना मज़ेदार बना है, कितना मज़ेदार बना है बताती हूँ, रुक जाए आप थोड़ा सा वेट करें। यार वैसे बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, रात का बज रहा है 1, रात के 1 बजे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और अभी मुझे अपने व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, तो अभी मैं एडिटिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं आराम से लेटकर आराम से मज़े ले लेकर देखूँगी उस्मान, क्योंकि आपको पता ही होगा उस्मान का सीज़न 4 आ चुका है, कब से हम वेट कर रहे थे, फाइनली उस्मान आ चुका है। अर्तुगल के बाद जो है ना उस्मान बहुत ही ज़्यादा हिट गए और सीज़न 4 का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था सबको, तो वो दिन आ चुका है और उस्मान भी आ चुका है। उसके 9 एपिसोड हो गए हैं और इतना ज़बरदस्त है। अर्तुगल के बाद जिसके साथ था ना तो ये उस्मान था, तो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, बहुत ही अच्छा है और हमारे घर में तो सबका इतना फेवरेट है कि हर वक्त वही लगा रहता है उस्मान। और जब उस्मान आता है ना सब काम छोड़ देते हैं अपने और उस्मान के पीछे भागने लगते हैं। तो अब हम भी जाते हैं उस्मान देखेंगे, फिर सोते सोते उस्मान के ख्वाब भी देखेंगे। आराम करते हैं और आप भी आराम करें, और अगर आप मेरा व्लॉग दिन में देख रहे हैं तो ढेर सारा अपना ख्याल रखें और काम भी करें, और बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। ओके गाइस, लव यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।